तो भाई लोग कैसे हो। तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में, जिसमें मैं वॉइस ओवर करके आपको पकाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो शुरू होने से पहले यार कमेंट करके बता दो ये टोपी कैसी लगी आपको। ठीक है, चोरी की है बिल्कुल, लॉबी से टपा के लाया हूँ अभी फ्रेश एकदम। तो अभी बस हम आए हैं जॉर्जो में, अब ज़रा बंदे पेलने की कोशिश करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। Enemies ahead. तो अभी यहाँ पे मैंने और मेरे टीममेट ने मिलके दो बंदे नॉक किए हैं उस टीम के टोटल। तो हम डिसाइड करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, वेयर हाउस ले लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे बढ़ के उन्हें पूरा ख़त्म कर देंगे। और अभी हम पूरा अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उनके बाकी दो बंदे कहाँ पर है, कि साइड है कंटेनर के। ठीक है, तो कहीं पर भी बैठ के रिवाइव दे रहे होंगे, रिवाइव देते टाइम फुटस्टेप आते नहीं है तो भाई हम फंस जाएंगे वहाँ पे। इसलिए हम अभी वेयर हाउस कैप्चर करेंगे और उन्हें घेर लेंगे, बिल्कुल एक कोने में कर देंगे। तो या तो वो पानी से तैर के उस साइड जा सकते हैं जॉर्जो सिटी, जो सेकंड वाली सिटी है वहाँ पे, या तो वो हमसे लड़ सकते हैं। बार खड़ा है अंदर गया। बस बस एक सेकंड और। चलो लगन मिल गई। लगन घुसना लॉल कहाँ था ये? वैसे बंदूक उठा के तो लाए हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसी हद गरीबी छा रखी थी कि भैया वेक्टर चलानी पड़ रही थी, वो भी बिना एक्सटेंडेड के। ठीक है, और दूसरी S12 की थी। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई S12 की तो मैं पूरे गेम चलाऊँगा, दूसरी गन वेक्टर के अलावा देख लूँगा मैं, पर S12 के रहेगी मेरे साथ। ठीक है, और इसी गेम के बाद से मैंने लगभग बहुत सारे मैचों में अपने S12 के ही चलाई है एंड तक। तो यहाँ पर अभी मैं AKM ले लेता हूँ और जो बचे हुए बंदे हैं उन्हें पेलता हूँ ज़रा। मैं नहीं, 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 नहीं। तो यहाँ पे हमारे भाई खुले में बॉक्स के पीछे बैठ के TPP ले रहे थे। ठीक है, ये आप कभी मत करना, खासकर जॉर्जो में ऐसे ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनके पीछे बैठ के TPP मत लेना। तभी लेना जब आपको पता है कि आपके साइड से कोई आके आपको नहीं पेलेगा। यहाँ पे मैं बंदे के साइड में लूट रहा था, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था वो वहाँ पर है। बाद में टीममेट्स ने बोला भाई वो डब्बे के पीछे बैठा है, तो मैंने पेल दिया बस। स्क्वाड आ रही है। ठीक मत करना भाई। अपनी गाड़ी में बैठो, अपनी गाड़ी में बैठो। जाओ 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 जाओ, निकलेगा तो मैं वो भी नॉक। तो यहाँ पे अभी मैं खुले से भगते हुए इसलिए जा रहा था क्योंकि मैंने अपने टीममेट्स को बोला था भाई मैं बेट बन रहा हूँ, मैं आगे भगूंगा और जैसे वो बंदा पीक या कुछ भी हरकत करेगा तो आप लोग पेल देना पीछे से। ठीक है, यही एक अकेली वजह थी मेरे ऐसे भग के जाने की। और अगर मेरे टीममेट कुछ और कर रहे होते तो मैं कभी नहीं जाता भाई। क्यों? क्योंकि उस पर TPP का एडवांटेज है भाई, वो जब चाहे तब आके पेल सकता है मुझे। तो यही है भाई, अपने टीममेट्स के साथ खेल रहे हो तो बता दो कि आप क्या करने वाले हो ताकि वो लोग आपको कवर दे सके अच्छे से। वो ऊपर वाले स्मैश है। हाँ देखे देखे देखे। बस 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 भाई, वो वहां मार रहे हैं, बहुत ध्यान से पिक करना।
एक मिनट शांत रहे। नाइस। ऊपर जा रहा है, रिवाइव करना है। कहाँ से? तो यहाँ पे मैंने अपनी S12 की सारी गोलियाँ सरिये पे भर दी। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया कि भाई गोलियाँ सरिये पे लग रही है। मुझे लगा बंदे को लग जाएंगी कहीं सरियल से इधर उधर होके, पर मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज था इसलिए गोली वेस्ट होगी। खैर, यहाँ पे मैंने दो बंदों को S12 के से पहला घुस घुस के, तो बहुत डेंजर गन है भाई क्लोज रेंज में। ठीक है, ये उजी हद डेंजर। और दूसरी गन है मेरे पास DP, जो कि काम आएगी मेरे लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज में लड़ने के लिए, और क्लोज रेंज के लिए तो S12 के है ही मेरे पास। तो ये कॉम्बो काफ़ी सही लगने लग गया है भाई अब से मुझे। अभी यहाँ पे हमने घुस के एक स्क्वाड पूरी ख़त्म की, और ये लोग ऊपर साइड से किसी से लड़ रहे थे। ठीक है, तो जो बाकी बंदे बचे हैं दूसरी टीम, वो हिल की साइड है, ये मुझे पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये लोग TPP ले रहे थे उस साइड से अपने आप को बचाने के लिए। तो अभी वहाँ पे हम लड़ाई करेंगे। और जो सप्रेस्ड S12 के से बंदा पेलने में जो मज़ा मिलता है ना भाई, अलग लेवल पे आता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आती है भाई। तो आप भी ट्राई करना, बिल्कुल सप्रेसर हो तो पेल देना, फिर देखो मज़ा। चले क्या? तो इस टीम पे हमने खुले में जाके रश किया। क्यों? क्योंकि एक बंदा मैंने नॉक कर चुका था और मुझे पता था कि ये लोग हमें दिक्कत देंगे, और इन पे हाइट का भी एडवांटेज है, हिल के ऊपर हैं ये। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई जाके पेल ही देते हैं। तो मैंने अपने टीममेट ओम को बोला कि तू लेफ्ट साइड से जा, मैं राइट साइड से जाता हूँ, और घेर के पेलेंगे भाई इन्हें। तो वही हुआ यहाँ पे, लकीली हमने सबको पेल दिया। सांप सूप बने हुए थे, एक आध खात्मा हो गया यहाँ पे। तो अभी हमें ऊपर की टेंशन कम है, और यहाँ पे हमारे भाई को रिवाइव नहीं किया किसी ने, क्योंकि इनका माइक खुला नहीं था, तो ये कॉल नहीं दे पाए कि भाई रिवाइव कर दो मुझे। तो ये एक ये भी घाटा होता है भाई माइक बंद होने का। गाड़ी लेके भागेंगे इनकी गाड़ी, थोड़ा सा भाग रहे हैं पैदल, ऊपर भाग रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे लकीली जोन में है। ठीक है, इस बार जोन हमारे फेवर में, और कंपाउंड भी है तो अच्छा कवर भी हमें मिल रखा है। तो यहाँ पे मुझे बस एक ही चीज़ करनी है कि नॉक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉक हो गया और वहाँ से रश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एक बंदा और नॉक हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने अपने टीममेट्स को भी बोल दिया है भाई जोन अपने पे है, अपना चिकन है, नॉक मत होना बस। अब बार बार पीक करके नॉक मत होना। तो जब भी आपके पास जोन हो और कवर भी हो जोन में, तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि नॉक नहीं होना है, और बंदों को तब पेलना है जब वो भग के आ रहे हैं आपकी तरफ, जब उन पे जोन प्रेशर डाल रहा है तब पेलना है।
कोई पहाड़ी से मार रहा है यार। में चला गया था मरते मरते, अचानक टच। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि माइक ऑन रखने का फ़ायदा क्या होता है भाई। मैं आगे भाग के बाहर भाग के लड़ने जा रहा था, मुझे पता नहीं था मेरा टीममेट की हेल्थ कितनी कम बाकी है। मुझे लगा कोई और रिवाइव दे देगा, मैं बंदे पेल दूंगा, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे टीममेट ने बोला भाई टच टच, तो मैं यहाँ से समझ गया कि उसकी हेल्थ कम है, बंदा मरने वाला है ऑलमोस्ट। इसलिए मैं वापस आया और रिवाइव दिया, नहीं तो मैं आगे जाके लड़ रहा होता कहीं और इसका माइक बंद होता तो ये मर जाता यहीं पर। तो भाई लोग माइक ऑन करके खेलना बहुत फ़ायदा होता है। नहीं ये साला ही लेटा है इसके पीछे। अरे ये अब मिनी वाला बचा होगा। ये पीछे वाले दो क्लियर हो गए। Enemies ahead. ये दो टीमें हैं। अरे ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो ऊपर में खड़ा है। Enemies ahead. एक शॉट है गया। अभी यहाँ पे मैं अपने टीममेट को नहीं बचा पाया, क्यों? क्योंकि मेरा आधा ध्यान तो आगे की साइड था, ठीक है। और जो बंदा वो पहाड़ी से आया, ऊपर से आया, अगर मैं उसे स्पॉट करने के लिए यहीं पे खुले में रुक के उसे देखता तो चांसेस ये थे कि वो बंदा मुझे भी पेल जाता। मेरे टीममेट को तो वो खा ही चुका था, तो इसलिए मैं पहले गाड़ी के कवर की तरफ भागा, स्पॉट किया, तब पेला। खैर कोई बात नहीं, पूरे टीम को चिकन डिनर मिल चुका है, तो और क्या चाहिए यार। और किल तुम्हारे भाई के हैं 18, तो काफ़ी बढ़िया गेम था। पूरे गेम S12 के और DP 28 चलाई है, तो मज़ा आ गया भाई। आप भी पक्का ट्राई करना इस कॉम्बो को कभी, और अगर आप थंब से खेलते हो सिर्फ तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो ये कॉम्बो ट्राई करने में, नहीं तो बढ़िया भाई, पेल दोगे भाई क्लॉ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग वीडियो देखने के लिए यार। बाय बाय।